चौटन पंचायत समिति की मंगलवार को आयोजित होने वाली साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा बहिष्कार के बाद स्थगित हो गई। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों ने पूर्व प्रधान कुंभाराम शेंवर के नेतृत्व में बैठक का बहिष्कार करते हुए विधायक पद्माराम मेघवाल एवं एसडीएम भागीरथ राम चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख की भांति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार दिलाने सहित में रखी गई मांग रखी है। पंचायत समिति सदस्यों ने केंद्र व एवं राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान को उनके क्षेत्र में बिना भेदभाव समान अनुपात में वितरण करने, पंचायतों में विकास कार्यों के प्रस्ताव पंचायत समिति सदस्यों के लिए जाने की भी मांग की। सदस्यों ने उनको 10,000 रुपये मासिक वेतन, विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यों की अनुशंसा उनसे करवाने की मांग की है। पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। इस दौरान विधायक पद्माराम मेघवाल ने सदस्यों से प्राप्त ज्ञापन को लेकर विधानसभा एवं राज्य सरकार से वार्ता कर उचित मांगों पर निर्णय करवाने का भरोसा दिलवाया। इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी, ये मांगे हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और दूसरी जो समझे लेवल की कोई भी मांग हो उसका समाधान हम किसी भी वक्त करने के लिए तैयार है। हमारे प्रधान साहब हो, ईडी साहब हो, एसडीएम साहब हो, जैसे की कोई शिकायत हो तो उसका समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। जनप्रतिनिधि छोटा हो या लेकर आज बैठक स्थगित, क्या मामला था और आखिर क्या निर्णय लिए गए? आज माननीय पंचायत समिति की सदस्यों द्वारा एक मांग रखी गई थी कि हमारे को जो पंचायत समिति के सदस्य है उनको अधिकार कम है, तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा अधिकार दिया जाए। इस कारण से उन्होंने ज्ञापन मेरे को दिया है कि जिस प्रकार सर प्रधान है, सरपंच है या जिला प्रमुख, उसको वित्तीय पावर दिए उसी आधार पर हमको अधिकार दिया। एक तो मांग ये थी और दूसरी मांग उन्होंने कहा कि भाई पंचायत समिति के जो भी विकास कार्य है उसके अंदर हमारी भागीदारी होनी चाहिए। उनकी मांग वाजिब है और जो वाजिब मांग है वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार के अंदर इनकी मांग की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। इनकी एक वे है कि माननीय सदस्य के हम जीत के आते हैं, दूसरी वह प्रधान को सरपंच को कुछ मान दिया जाता है और हमको कुछ नहीं मिलता है, तो उनके लिए पहले भी हमने मांग उठाई थी, आगे भी हम मांग उठाएंगे। दूसरी बात, अभी मैंने एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से भी कल निवेदन किया है कि दो दिन जो पाला पड़ा, पाला के अंदर अरंडी की फसल और रायडे की फसल के अंदर भारी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए सर्वे करा के हम सरकार से मांग करेंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भरपाई या मुआवजा कैसे दिलाया जाए। परंतु कल कलेक्टर साहब से मैंने बात की थी और कलेक्टर साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री मौसम बीमा योजना है उसके अंदर ऐसे कठोर मापदंड दिए गए हैं तो किसानों के साथ कुरारा घात है। वो कहते हैं कि 2% से नीचे टेम्परेचर आएगा तब होगा, ये तो 5% से ही फसल तो जल गई, 2% कब आएगा? और जब 2% नहीं होगा तब तक उनको नहीं मिलेगा किसान के साथ, तो और अन्याय है। तो इस कारण से हम आगे भी माननीय मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखाएंगे, ऐसी नहीं जो जिस टेम्परेचर के अंदर जो फसल खराब हो जाती है उसी के आधार पर बीमा किया जाए और किसानों को उनके हित के लिए उनको क्लेम मिलना चाहिए। जो पहले खरीफ का क्लेम था, खरीफ के क्लेम के अंदर भी बीमा कंपनी द्वारा बदमाशी की और किसानों ने विरोध किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी पूरा विरोध करने के बाद में 229 करोड़ रुपये और उन्होंने सैंक्शन किए, परंतु उनकी मंशा क्या है? पंचायत समिति चौटन की आज 17 जनवरी की साधारण सभा होने को थी, इसमें पंचायत समिति सदस्य के सभी सदस्यों दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सदस्यों ने एक राह होकर ये तय किया है कि हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। पंचायत समिति सदस्य प्रधान चुनाव के बाद मात्र एक कोरम, पंचायत समिति में कोरम पूरा करने के लिए एक संसाधन रह जाता है, उसके पास न तो कोई वित्तीय पावर के अधिकार हैं और न ही कोई विशेष प्रशासनिक अधिकार है, इसलिए वो दो पंचायत के ऊपर चुनाव निर्धारित होकर आता है और इस प्रकार वो पंचायत अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए पब्लिकली काम नहीं करवा सकता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि
कि पंचायत समिति सदस्यों के हक और अधिकार दे, और अगर हक और अधिकार सरकार नहीं देती है तो ये सदस्य समाप्ति कर दे। पंचायती राज अधिनियम 1995 के पूर्व होते थे चुनाव प्रधान के, उसी भांति करवाया जाए। ऐसा कौन कर रहा है अभी, जैसे आप कह रहे हो हमारा काम नहीं हो रहा है, आज आप काम रुकने की वजह क्या रही है? वजह तो पंचायत समिति सदस्यों के काम कहाँ हो रहे, हो ही नहीं रहे, क्योंकि कई अड़चने आती है उसमें, जो वो बॉडी नहीं है, उनके UCCC पर सिग्नेचर नहीं होते, ऐसे उनके पंचायती राज अधिनियम में भी अधिकार नहीं दे रखे। तो मुख्य आज आपकी साधारण सभा की जो बैठक है, इसको लेकर आप क्या करना चाह रहे हो, बहिष्कार करना चाह रहे हो या इसको ज्ञापन देकर उस मामले को आगे बढ़ा जा रहे हो? आज हम यहाँ चौटन की पांडवों की धरा से इस राजस्थान पूरे में पूरा आंदोलन खड़ा करेंगे, और पंचायती राज संस्थान में पंचायत समिति सदस्य के हक को हक दिलाएंगे, और नहीं दिलाए तब तक हम पंचायत समिति सदस्य मीटिंग का बहिष्कार करते हैं।